है ना। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, सब लोग अपने अपने घर में मौजूद हैं और शांति से हैं। अभी हम लोग कल के बाद वाला चैप्टर अभी हम पढ़ना शुरू करेंगे, जो कल हम पढ़ाए थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से क्वेश्चन वगैरह कर लिए थे। अभी हम लोग क्या करेंगे कि उसी को आगे करके चैप्टर एंड करेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग कर रहे हैं क्या कि रिलेशन बिटवीन रॉड्स लॉ एंड डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये बहुत ही VVI है। इसको पहले हम लोग कर लेंगे, ये आप लोग शायद नहीं पढ़े होंगे। रॉड्स लॉ तो पढ़ा था, कल पढ़ाए थे। तो रॉड्स लॉ क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और में था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये रॉड्स लॉ था, लेकिन आप अभी डॉल्टन्स लॉ नहीं जानते होंगे या जानते भी होंगे तो डॉल्टन्स लॉ को पहले हम लोग क्लियर करेंगे कि डॉल्टन्स लॉ है क्या। यहां हम दे रहे हैं डॉल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर पहले डॉल्टन्स लॉ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डॉल्टन्स द टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाय द मिक्सर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस अब पार्शियल प्रेशर क्या है? द प्रेशर एग्जर्टेड बाय ओन इन द रिएक्शन मिक्सर ऑफ गैस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। जो अकेला होगा उसी का, सपोज P1, P2, P3 आर द पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैस इन ए नॉन रिएक्टिंग मिक्सर ऑफ गैसेस। तो टोटल प्रेशर PT इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 .. ये कब होना चाहिए? एट कॉन्स्टेंट टी होना चाहिए और भी भी होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज और, प्रेशर एग्जर्टेड बाय सैचुरेटेड वाटर वेपर इज कॉल्ड इक्वस टेंशन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इक्वल टू पी टोटल माइनस एक्वस टेंशन। ये आपका डॉल्टन्स लॉ हो गया। अब इसको कैसे हम लोग और आगे करेंगे इसको देख लीजिए।
सपोज कर लो कि कोई क्लोज्ड वेसल्स है और इसमें हम लोग का इंडिविजुअल गैस अलग अलग है, जैसे सपोज करो पार्शियल प्रेशर P1, P2, P3, कोई अलग अलग गैस है, यहाँ सबका प्रेशर कुछ न कुछ होगा ही। तो यहाँ देख, वी नो दैट PV equal to nR from ideal gas equation. P equal to n by VRT. तो फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस वन और गैस ए, P1 इक्वल टू N1 RT बाई भी, P2 इक्वल टू NT R2 बाई भी एन टू, P3 इक्वल टू N3 RT बाई भी। इंडिविजुअल हम लोग इसको ले लिए हैं, क्या कर दिए इसको, इंडिविजुअल हम लोग ले चुके हैं। अब इंडिविजुअल लेने के बाद अब हम लोग इसको क्या करेंगे, टोटल प्रेशर, पी टोटल डाल्टन्स लॉ, P1 प्लस P2 प्लस P3, ये सब पॉइंट कर लेंगे, N1 RT बाई भी प्लस N2 RT बाई भी प्लस N3 RT बाई भी। यहां हम लोग क्या ले लेंगे, N1 प्लस N2 प्लस N3 RT बाई भी, ये हो गया हम लोग का P टोटल, प्रेशर ऑफ टोटल मिक्सचर, प्रेशर ऑफ टोटल मिक्सचर। अब यहां देखो थोड़ा सा, डिवाइडिंग P1 बाई P टोटल, यहां देखना हम लोग P1 को P टोटल से डिवाइड करना है, P1 बाई P टोटल इक्वल टू N1 RT बाई भी बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 RT बाई भी, ठीक है। क्या देखो, P1 by P total equal to, यहां देखो ये RT RT भी और भी कैंसिल हो जाएगा, तो N1 by N1 plus N2 प्लस N3, ठीक है। अब सपोज कर लो कि N1 प्लस N2 प्लस N3 इक्वल टू N, तो रिजल्ट P1 बाई P टोटल इक्वल टू N1 बाई N। दिस रिलेशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन है, द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल सॉल्यूशन, द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन।
ये मोल फ्रैक्शन हो गया। तो अब हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं P1 बाई पी टोटल इक्वल टू X1 यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1। देयरफॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर। और सिमिलरली और हम लोग लिख सकते हैं, फिर ड्राइव करेंगे, P2 इक्वल टू X2 इनटू P टोटल, P3 इक्वल टू X3 इनटू P टोटल। ये आपका रिलेशन आ चुका है, ये रिलेशन है, ठीक है। ये हम लोग अभी डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो हम लोग यहां डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, यहां डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल गैस एंड टोटल प्रेशर ऑफ नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर। यहां हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो रिलेशन कैसे हम लोग फाइंड कर लेंगे, जो रिलेशन हम लोग निकालने वाले थे, जो रिलेशन निकालने वाले थे डॉल्टन्स लॉ और पार्शियल प्रेशर, सपोज सपोज P1 P2 and P3 are the partial pressure of gases. Mole fraction of gas A equal to gamma A. मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बी इक्वल टू गामा बी। हम लोग यहां ले लिए गामा ए और गामा बी दोनों ले लिए। अब यहां देखो फ्रॉम रॉल्स लॉ, RoulTS रॉल्स लॉ, PA इक्वल टू P0A इनटू XA, PB इक्वल टू P0B इंटू XB, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। फ्रॉम डॉल्टन्स लॉ, डॉल्टन्स लॉ, PA इक्वल टू मोल फ्रैक्शन गामा A इंटू PT, PB इक्वल टू X ने इसको हम लोग गामा X एज्यूम किया है ना, तो गामा A गामा B इंटू P टोटल, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन 1 and 3, इक्वेशन 1 and 3, इक्वेशन 1 and 3, पी नॉट ए इंटू एक्स ए इक्वल टू गामा ए इंटू पी टी, देयरफॉर गामा ए इक्वल टू
P naught A into XA by PT. ये हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज कंपोनेंट ए. इक्वेटिंग इक्वेशन टू एंड फोर पी नॉट बी इंटू एक्स बी इक्वल टू गामा बी इंटू पी टी. Therefore, gamma b equal to p naught b into xb by pt. अब यहां देख लो आपका ये important formula और ये आपका हो गया important formula. ये relation हो गया Rolle's law and Dalton's law of पार्शियल प्रेशर. इसको नोट डाउन कर लेना है. नोट डाउन कर लीजिए फटाफट या जैसे भी हो वैसे कर लीजिए. चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट. क्वेश्चन ए नियोन एंड डाइऑक्सीजन मिक्सर. Contains 17.6 gram neon and 167.5 gram O2. What is the partial pressure of neon and O2? अब ये जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे, ये क्वेश्चन जो ड्राइव किए थे, उस क्वेश्चन पे हम लोग इसको कर सकते हैं. सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे और ये भी बता दिया है कि द टोटल प्रेशर नियोन एंड ओ टू एट टोटल प्रेशर 25 bar दिया हो तो हम लोग देखिए क्या करेंगे. पार्शियल प्रेशर ऑफ, जैसे मान लीजिए पार्शियल प्रेशर निकालना है तो पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इक्वल टू 70.6 by 32 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियोन इक्वल टू, नहीं ये था आपका नियोन का, ये है आपका नियोन. तो नियोन का मोलर मास 20 और ये है आपका O2, ठीक है. तो 167.5 by 32, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना है दोनों का. तो नंबर ऑफ मोल्स दोनों का निकालेंगे तो कितना कितना आ जाएगा इसका, 22.21 मोल और एक का आ जाएगा कितना, 8.375 मोल. ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया. फिर हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालेंगे दोनों का. मोल फ्रैक्शन भी तो चाहिए. मोल फ्रैक्शन चाहिए तो कैसे निकालेंगे, XO2 2.21 by 2.21 plus 8.375 और मोल फ्रैक्शन ऑफ न्यू इक्वल टू
कितना आ जाएगा? ओहो, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ नियोन है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ओ टू है, एट पॉइंट थ्री सेवन फाइव अब भाई 8.375 प्लस 2.21, दोनों का मोल फ्रैक्शन अलग अलग हो जाएगा, 0.21 0.79 0.21 0.79 76. ठीक है, इसके बाद हम लोग कर लेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, तो पी ओ टू इक्वल टू एक्स ओ टू इंटू पी टी, और पी एन ई इक्वल टू एक्स एन ई इंटू पी टी, ये निकल जाएगा आपसे। ठीक है, अब हम लोग आगे निकाल लेते हैं, इसको कर लेना है। ठीक है, एक न्यू क्वेश्चन, 6 ग्राम यूरिया, 10 ग्राम NaOH डिजॉल्व्ड इन 175 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन सिंपल यहां देख लो अच्छा से, मोलेलिटी इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए, मोलेलिटी इक्वल टू एन बी वेट ऑफ सब्सटेंस बाई मोलर मास बाई डब्ल्यू ए, ये क्या है नंबर ऑफ मोल्स है, तो हम लोग सबका तीनों का नंबर ऑफ मोल्स, तीनों का ना, ये तो सॉल्यूट है ना, ये सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे हम लोग, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे कैसे, एम इक्वल टू 6/60, यूरिया का मोलर मास देख लो एन टू एच फोर सी ओ 28 4 12 60 60, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस 10/40 40, तो समझ रहे हैं कहां से आया NaOH, तो 23 16 प्लस 1 40, ठीक है, इंटू 1000 और बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 175, हम मोलिटी इक्वल टू लिख देना एक्स वाई जेड आंसर सॉल्व करके। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग जहां पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वहां से चलना शुरू करते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सेकेंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा वी, ये भी इंपॉर्टेंट है। एलिवेशन मींस इंक्रीजमेंट, एलिवेशन मींस इंक्रीजमेंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए प्योर लिक्विड इज दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज, और भी इसको बोले, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड इज दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर के जब तक बराबर नहीं होगा तब तक वो बॉयल नहीं कर सकता है। अब क्वेश्चन उठ रहा है कि हाउ कैन बॉइलिंग पॉइंट वेरिएबल इन द डिफरेंट लिक्विड्स,
अलग अलग लिक्विड का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये डिपेंड करेगा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ लिक्विड। लिक्विड का इंटरमोलिकुलर फोर्स जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स करने के लिए कुछ कुछ है, तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन लिखने का तो समझ गए आप लोग, लिख भी सकते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए प्योर लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। कुछ कुछ फैक्टर है जिस पे वो डिपेंड करता है। कौन कौन फैक्टर है? जैसे मान लो आपका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा? बॉइलिंग पॉइंट्स डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर सरफेस एरिया, ठीक है। अब सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, बीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया किसी का भी होगा उतना ही ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। जैसे मान लो एन पेंटेन का केस ले लो, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। आइसो पेंटेन ले लो, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। नियो पेंटेन ले लो, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। नियो पेंटेन, आइसो पेंटेन, और देखो एक है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे सपोज करो वाटर, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई होता है, उसके बाद अमोनिया हो जाता है, उसके बाद HF आता है। क्यों? अब यह नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड 4 होता है, इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड 3 होता है, इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड 2 होगा सीधे, ठीक है। अब कैसे कैसे होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड जब पढ़ना है तो पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सरफेस एरिया हाइड्रोजन बॉन्ड इस पर डिपेंड कर जाएगा पूरे डिटेल तरीके से, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे कुछ और, जैसे When a small amount of solute dissolved in pure liquid, their boiling point will be increased. Boiling point increase कर जाएगा। जैसे ही ये small amount of solute अगर मिलाते हैं तो boiling point क्या हो जाएगा? Increase कर जाएगा। तो अब यहां पर हम लोग लिखना शुरू करेंगे, the difference between the difference between BP of solution and BP of pure liquid is called elevation in boiling point. Elevation in boiling point. इसको कैसे दिखाएंगे देख लो, TB माइनस टी नॉट बी इक्वल टू डेल्टा TB। देख लो TB माइनस टी नॉट बी इक्वल टू डेल्टा TB, ठीक है। अब इसमें क्या क्या हुआ, TB इक्वल टू BP ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, और टी नॉट बी इक्वल टू BP ऑफ प्योर लिक्विड, और डेल टी बी इक्वल टू हो जाएगा एलिवेशन इन बीपी, एलिवेशन इन बीपी। अब इसको हम लोग ग्राफ से भी दिखा सकते हैं, यहां ग्राफ एक बना लेंगे, देख लो ये आपका टेम्परेचर है इधर, और ये आपका वेपर प्रेशर है, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आपका टी नॉट बी है और ये आपका टी बी है, दोनों का डिफरेंस डेल टी बी। इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे BP of solution, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को बोलेंगे BP of
इस देखो ये पॉइंट हो गया बीपी ऑफ प्योर लिक्विड और इसको बोलेंगे बीपी ऑफ सॉल्यूशन, दोनों का डिफरेंस हो गया ये, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखना है आगे इसको ले जाएंगे कैसे। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ एलिवेशन इन बीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, यानी डेल टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, डेल टी बी इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी रिप्लेस कर दो के बी इंटू एम, ठीक है। अब ये के बी क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट हो गया के बी, ठीक है ना, के बी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और मैं इसको हम लोग लिख सकते हैं इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और के बी फॉर वाटर, के बी फॉर एच टू ओ 0.52 केल्विन केजी पर मोल, ये आपका फिक्स वैल्यू है, ठीक है ना, ये आपका फिक्स कांस्टेंट है। और बेंजीन के लिए अलग है, फिर एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सबके लिए अलग अलग वैल्यू है। तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में ये आपका कांस्टेंट वैल्यू दिया होता है। अब देखो इफ मोलिटी इक्वल टू वन, सपोज करो यहाँ मोलिटी अगर वन हो जाता है, मोलिटी इक्वल टू वन अगर कर देते हैं तो क्या होता है, डेल टी बी इक्वल टू के बी। अगर मोलिटी अगर वन हो जाए तो डेल टी बी के बी की इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग यहां लिखेंगे न्यू डिफिनेशन, न्यू डिफिनेशन क्या लिखेंगे, वेन वन मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन वन केजी और थाउजेंड ग्राम ऑफ सॉल्वेंट देयर एलिवेशन इन बीपी इज कॉल्ड मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो ये जरूर याद कर लेना है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट का ये डिफिनेशन जरूर याद कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपका आएगा ही आएगा, ठीक है ना। ये आपका हो गया मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अभी बात करेंगे, इसको तो रिप्लेस ही कर दे रहे हैं। अब देखो KB कैन बी कैलकुलेटेड मैथमेटिकली, KB कैन बी कैलकुलेटेड मैथमेटिकली एम आर टी नॉट बी स्क्वायर बाई थाउजेंड इंटू डेल एच वी ए बी। इससे भी हम लोग के बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। एम जो है ना ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, आर गैस कांस्टेंट, वैल्यू तो आपको पता होगा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और भी इसका वैल्यू है ठीक है ना, 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, यह भी वैल्यू होता है
और T नॉट B इक्वल टू क्या हो जाएगा, T नॉट B BP ऑफ प्योर लिक्विड और डेल्टा एच वी ए पी मीन्स इंथेल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ये आपका केबी भी इसे निकाल सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास बाय द हेल्प ऑफ इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कैसे डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, कैसे हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे। यहां देख लो, डेल टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, ठीक है। तो डेल टी बी इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू थाउजेंड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है। और एम बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां देखो एम बी इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू थाउजेंड बाई डेल टी बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है ना। अब हम लोग इसको और रिप्लेस करेंगे, अभी एम बी इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एम बी इक्वल टू हो गया। अब हम लोग करेंगे के बी तो क्लियर ही है, डब्ल्यू बी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू ए इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और डेल टी बी इक्वल टू इलिवेशन इन बीपी, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन सिक्स ग्राम यूरिया डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, इफ बीपी ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, देन फाइंड द बीपी ऑफ सॉल्यूशन, के बी इक्वल टू 0.52 केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम लोग इसका आंसर लिखेंगे, आंसर देख लो, डेल टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, डेल टी बी इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू थाउजेंड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू, ठीक है। और इसको टी बी माइनस टी नॉट बी इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू थाउजेंड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया हुआ है, सिक्स टी बी, टी बी तो दिया हुआ नहीं है, ये तो निकालना ही है, टी नॉट बी 100 डिग्री सेल्सियस,
KB 0.52 into WB 6 gram 1000 by MB molar mass of urea. To molar mass of urea N2H4CO 60 gram per mole. 60 gram per mole. Molar mass of urea. तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 60 into 100 ग्राम. अब यहाँ हम लोग का जो टीबी निकलेगा उसको डॉट 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 डिग्री सेल्सियस लिख के आंसर कर देंगे. इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि 100 से ये प्लस आ जाएगा, एलिवेशन हो जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे. नोट डाउन करके क्लियर कर लीजिए. ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल अभी और हम लोग करते जाएंगे, लेकिन पहले अभी हम लोग और थोड़ा सा बात करेंगे. थर्ड पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल टी एफ, ये भी आई है. इस पर भी क्वेश्चन में लोग बात करेंगे कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द सॉलिड. अब देखो, उसका प्रेशर, वेपर प्रेशर अगर सॉलिड के इक्वल हो जाएगा तो वो फ्रीज कर जाएगा. व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉलिड डिजॉल्व्ड इन प्योर सॉल्वेंट देयर फ्रीजिंग पॉइंट विल बी डिक्रीजेज. फ्रीजिंग पॉइंट विल बी डिक्रीजेज, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. जब किसी भी प्योर लिक्विड में अगर सॉल्यूट मिलाएंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएं या वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएं, नॉन वोलेटाइल भी मिला सकते हैं और वोलेटाइल भी. अगर नॉन वोलेटाइल मिलाएंगे और वोलेटाइल मिलाएंगे तो दोनों ही जाकर वो सॉल्वेंट के साथ इंटरमोलिकुलर फोर्स के साथ कनेक्टेड होगा, जो जिससे कि मोलर मास बढ़ेगा और उसका स्केपिंग टेंडेंसी घट जाएगा और इसी में उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा. देखो कैसे हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट. द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए प्योर लिक्विड इज दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द सॉलिड. व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉलिड डिजॉल्व्ड इन प्योर लिक्विड देयर फ्रीजिंग पॉइंट विल बी डिक्रीजेज. फ्रीजिंग पॉइंट विल बी डिक्रीजेज, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. और इसको दूसरे टर्म में लिखेंगे कि द डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. कैसे? टी नॉट एफ माइनस टी एफ इक्वल टू डेल टी एफ. ठीक है, अब इसमें क्या क्या है? टी नॉट एफ इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, टी एफ इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और डेल टी एफ इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. अब इसको एक ग्राफ से क्लियर कर लीजिए.
BP, temperature, atmospheric pressure. अब देखो जो डिक्रीजिंग पॉइंट है इंक्रीजिंग पॉइंट है वो किसका किसका है, ये TF हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, और ये दोनों का डिफरेंस हो गया। अब यहां देखेंगे थोड़ा सा, देखो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू RAOULTS रॉल्स लॉ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, ठीक है, डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, के एफ इक्वल टू मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट और क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, के फॉर वाटर 1.86 केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल, ये के एफ का वैल्यू हो गया। किसका वैल्यू है, ये के एफ का वैल्यू है, ठीक है ना। आदित्य पानी थोड़ा है क्या, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इफ मोलालिटी इक्वल टू वन, देन क्या हो जाएगा, डेल टी एफ हो जाएगा के एफ के इक्वल हो जाएगा, डेल टी एफ किसके इक्वल हो जाएगा, बीते भी रहने कोई दिक्कत नहीं, डेल टी एफ इक्वल टू के एफ के इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलेंगे, देखो ना, हाँ चलो, अब यहां देखो इफ वन मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम और 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, देयर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉल्ड मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट। अब ये डिफिनेशन आप याद कर लीजिएगा, मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट का ये इंपॉर्टेंट है, याद है, ठीक है, ये लिख लेना है। अब डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, देखो डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू डब्ल्यू। अब हम लोग क्या निकालेंगे, मोलर मास हम लोग को निकालना है,
तो मोलर मास निकालने के लिए आप आराम से निकाल सकते हैं। MB इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 बाय डेल TF इंटू WA। इस फार्मूला से हम लोग आगे जा सकते हैं, ठीक है ना। अब MB इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉलिड, और बाकी तो जानता ही है, WA क्या है, WB क्या है, फिर KF क्या है, डेल TF क्या है, ठीक है, ये तो पहले से मालूम ही है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में क्या आते हैं, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, दोज केमिकल सब्सटेंसेस which is added to the pure liquid, which is added to the pure liquid, which is added to pure liquid, they depress the freezing point of the pure liquid is called anti-freeze solution। कुछ कुछ ऐसा chemicals है जिसको solvent में अगर mix कर दिया जाए तो उसके freezing point को decrease कर देता है, और उसी को हम लोग नाम देते हैं एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल देखो हम लोग क्या क्या है, एग्जांपल भी तो देना जरूरी है ना। इथिलीन ग्लाइकोल CH2CH2OH, ठीक है, ग्लिसरॉल CH2CH CH2, मिथेनॉल इथेनॉल दोनों हो सकता है, इथेनॉल भी है C2H6O, मिथेनॉल भी ले सकते हैं CH3OH, ठीक है। अब देखो इसमें इसका बीपी सबसे हाई होगा, इसका सबसे बीपी ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि इसमें 3OH ग्रुप है, इसका बीपी इससे कम होगा और इसका बीपी इससे कम होगा, तो यानी नंबर ऑफ OH ग्रुप इंक्रीज करेगा ना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी इंक्रीज करेगा, इससे उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर इन लोगों को अगर हम लोग मिक्स कर देते हैं वाटर में, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देगा। एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिनेशन है कि 1 लीटर इथिलीन ग्लाइकोल प्लस 1 लीटर वाटर अगर लेते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट -36 डिग्री सेल्सियस एज्यूम किया गया है। कितना एज्यूम किया गया है, -36 डिग्री सेल्सियस। ड्यू टू दिस रीजन एंटी फ्रीज सब्सटेंसेस कैन बी यूज्ड इन द रेडिएटर ऑफ व्हीकल ऑफ कोल्ड एरिया, जहां भी कोल्ड एरिया है, ठंडा प्रदेश है, वहां पर वहां का गाड़ी के रेडिएटर में इसको मिक्स किया जाता है, ताकि उसका रेडिएटर जो है ब्लास्ट ना करे और चलते रहे। और कैल्शियम क्लोराइड, साथ में कुछ केमिकल्स भी है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्लियर स्नो ऑन द रोड इन द कोल्ड एरिया। कौन कौन है, एग्जाम्पल में हम लोग ले लेंगे कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सारे को हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्लियर स्नो ऑन रोड
सड़क पर से बर्फ को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, कोल्ड एरिया जहां ठंडा है हमेशा 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर रहता है वहां पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसे हम लोग क्वेश्चन एक बना लेंगे, क्वेश्चन ही बना सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन बना लेते हैं पहले, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ये हुआ एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 60 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल मिक्स्ड विथ 1000 ग्राम ऑफ वाटर। इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड इज 0 डिग्री सेल्सियस, देन फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल है, केएफ इक्वल टू दिया हुआ है, कितना है केएफ इक्वल टू 1.86 केल्विन केजी पर मोल, और इथिलीन ग्लाइकोल है तो इथिलीन ग्लाइकोल का मोलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो समझ ही रहा है, C2H6O2। अगर नहीं है तो आप इसको याद कर लेंगे, CH2CH2OH OH। ठीक है, इसका मोलर मास होता है 62 ग्राम पर मोल। अब फॉर्मूला ले लो, डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। टी नॉट एफ माइनस टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है इसको भी हम लोग नोट करते जाएं। ठीक है ना, टी नॉट एफ, टी नॉट एफ 0 डिग्री सेल्सियस माइनस टी एफ आपका तो है नहीं, के एफ 1.86 इंटू डब्ल्यू बी 60 ग्राम इंटू 1000 बाई एम बी मोलर मास 62, WA 1000 ग्राम। ठीक है, आपको क्या निकालना है, सिर्फ TF निकालना है तो निकाल लेंगे। TF कितना आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, माइनस में आएगा, जो भी वैल्यू आएगा किस में आएगा, माइनस में आएगा, यानी XYZ जो भी आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिएगा कितना डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा कि व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन प्योर सॉल्वेंट देयर फ्रीजिंग पॉइंट विल बी डिक्रीजेज, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंटी फ्रीज सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा, फ्रीजिंग पॉइंट समझ डेल्टा आ गया समझ में। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारा है, लेकिन अभी क्वेश्चन अभी नहीं बनाएंगे, अभी थ्योरी हम क्लियर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल का क्लास अलग डे में करेंगे, पहले इसको कर लिया जाए पूरा अच्छा से, ताकि ये कंसेप्ट में आ जाएगा, उसके बाद न्यूमेरिकल्स के लिए अलग हम देते जाएंगे और धीरे 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 कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी लॉकडाउन का जो मामला है ना, बहुत ही खतरनाक लॉकडाउन का मामला चल रहा है, और ये पूरा अप्रैल भी जा सकता है, और इसमें आप लोग अपने अपने घर में रहें, और घर में रह के केवल बेड पे पड़े रहने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अब बेड पे पड़े हुए हैं, मम्मी थोड़ा पानी ला दो, अब बेचारी मम्मी पानी ला के तुमको देने में परेशान है। अब ऐसा है, थोड़ा अपना भी शरीर दौड़ाते रहना है, ताकि दौड़ने से क्या होगा कि तेरा भी बॉडी का पावर स्टेमिना बढ़ते रहेगा। ठीक है ना, तो घर में बैठ के ज्यादा इधर उधर का सोचना नहीं है, काम जो भी है उसको सोचिए और आराम से कहिए,
भारत जो है अभी जो है कोरोना से लड़ाई जो लड़ रहा है इसमें सब लोग मिलकर इसका साथ देना है, ठीक है। और आप क्या कर रहे हैं उसको सोचना है, ना कि सरकार आपके बारे में क्या कर रहा है ये सोचना है। समझ में आ गया ना? अब सरकार को केवल दोष देते रहेंगे कि सरकार भाई पहुंचा नहीं रहा है पानी मेरे मुंह में। अरे तेरे मुंह में पानी पहुंचाएगा? सरकार नल लगवाया हुआ है, जाकर वहां नल खोल के पानी पियो। सरकार को दोष देने से नहीं ना, सरकार तो सबको घर में बैठने के लिए बोल रहा है, सबको बोल रहा है कि अपने घर, इसका इलाज ही नहीं है। अब तुम जो है मुंह से सांस ले लेके चारों ओर से वायरस बैक्टीरिया अंदर करने के चक्कर में पड़ा हुआ है, तो वैसा नहीं करना है। घर में रहना है तो रहना है। देखो मौका कितना अच्छा मिला हुआ है, हमको लगता है कि तुम्हारे पूरा लाइफ में ऐसा मौका पहली बार मिला है कि घर में रहने का मौका मिला है। सोच लो, ये हर एक के जीवन का सबसे पहला काम मिला हुआ है और इसका बढ़िया से फायदा उठाओ। अब ऐसा नहीं कि फायदा उठाओ का मतलब क्या कि टीवी में कितना चैनल है काउंट कर लो, अरे गधे, दिन भर काउंट करने से फायदा तो है नहीं। कितना चैनल है उसको भी काउंट करते जाएगा, तो काउंट करने से ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। घर में बैठो और बैठ के अपना आगे का प्रॉब्लम और आगे आने वाला जो है लॉकडाउन के बाद जो मुसीबत आने वाला है उससे तुम सामना करो, क्योंकि उससे सामना करने में ही तेरा जो है बेटर भलाई है, ठीक है ना। और भारत का साथ दो, भारत के विकास में योगदान करो, अपने परिवार के विकास में योगदान करो, अपने मोहल्ला के विकास में योगदान करो और अपना विकास में भी योगदान दो। अब ऐसा नहीं कि सबका विकास करो और आपका तुम अपना तुम विनाश कर लो, नहीं, अपना भी विकास करो, ठीक है ना। तो विकास के साथ साथ हम लोग इधर भी काम कर लिया जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ाएंगे। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है इसको भी देखिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बहुत ही अच्छा है, परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये बायोलॉजी से रिलेटेड है, उसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा टर्म आ गया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसके बारे में सुन लीजिए। दोज मेम्ब्रेन विच इज अलाउड टू पासिस द ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, दोज मेम्ब्रेन विच इज अलाउड टू पासिस द ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक होता है परमिएबल मेम्ब्रेन, दोज मेम्ब्रेन विच इज अलाउड टू पासिस द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ, दोनों को आने जाने देगा। और एक होता है इनपरमिएबल मेम्ब्रेन, दोज मेम्ब्रेन विच डू नॉट अलाउ द पासिस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दोनों को आने जाने नहीं देगा। तो एक हो गया इनपरमिएबल जो दोनों नहीं जाने देगा, एक हो गया परमिएबल जो दोनों को आने जाने देगा, एक है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी सिर्फ सॉल्वेंट को जाने देगा और सॉल्यूट को नहीं जाने देगा, ठीक है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल्स भी अब ले लिए जाए कि भाई एग्जाम्पल्स। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि ये क्यों नहीं जाने देता है, क्वेश्चन ये उठ रहा है। अब मान लो सपोज कर लो कि ये पानी है और इस पानी में हम लोग क्या डाल दिए, NaCl डाल दिए हैं, और NaCl गया तो Na प्लस बना दिया और Cl माइनस बना दिया, और बनाकर ये क्या हो गया। तो अब अगर तुम बोल रहा है कि ये H2O है, H2O को जाने देता है लेकिन Na प्लस और Cl माइनस को नहीं जाने देता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, भाई ऐसा क्यों। तो ध्यान से समझना कि जैसे ही आपका Na प्लस यहां आया, Na प्लस और ये Cl माइनस आया, तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है, वाटर मॉलिक्यूल को देखो, ये है वाटर मॉलिक्यूल, ये है वाटर मॉलिक्यूल प्लस माइनस और ये माइनस, फिर ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल, फिर ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल। अब ये चारों ओर से वाटर मॉलिक्यूल इस सोडियम सोडियम को चारों ओर से घेर लेता है और इसमें हाइड्रोजन घेर लेता है। कौन घेरता है? हाइड्रोजन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना। देखो ऐसे, अब इससे क्या होगा कि यहां साइज देखो बढ़ गया, यहां ध्यान से देखना, ये जो है इसका साइज बड़ा हो गया,
तो Na प्लस के चारों ओर जो वाटर का जो मॉलिक्यूल का जो एग्रीगेट जो तैयार हुआ ना, उससे ये पार नहीं हो पाता है, किससे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। साइज बड़ा हो जाता है, ऐसे ही इसका भी साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है। इसीलिए सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही पास कर पाता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर एक टर्म है, कोऑर्डिनेशन नंबर के चलते ये पॉजिटिव चार्ज वाटर मॉलिक्यूल को एग्रीगेट कर लेता है, जिसके चलते ये पूर से पार ही नहीं कर पाता। सिर्फ ये वाटर अगर रहे तो ये पार कर जाएगा, ये रहे तो पार कर जाएगा, लेकिन Na प्लस और Cl माइनस पार नहीं करेगा, क्योंकि Na प्लस के चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल आ गया और Cl माइनस के चारों ओर भी वाटर मॉलिक्यूल आ गया। अब ये जैसे जाएगा पूर के पास, ये वहीं पर रुक जाएगा। अब ये बात हो गया, हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का डिफिनेशन देख लो। ये डिफिनेशन डिफिनेशन तो बता ही दिए, दोज मेम्ब्रेन विच इज अलाउड टू पास थ्रू ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। एग्जांपल में हम लोग जो बात कर ले थोड़ा सा, जितना भी एनिमल मेम्ब्रेन है वो सब का सब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब एनिमल मेम्ब्रेन में कौन कौन आ सकता है? पिग ब्लेडर, गोट ब्लेडर, कैमल ब्लेडर, काउ ब्लेडर, अब ये सब सबका सब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और देख लो, जितना भी रूट वाल है प्लांट्स का, वेजिटेबल वाल्स है, फ्लावर्स का जो वाल्स है, परचेंट मेम्ब्रेन, ये सारा का सारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक। और कुछ केमिकल है, कुछ केमिकल में देखिए, कैल्शियम फॉस्फेट जिसका इस्तेमाल आरओ में किया जाता है, Cu2FeCN6, ये दोनों केमिकल है आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल जिसका इस्तेमाल आरओ में किया जाता है। आरओ का तो फंक्शन तो आपको पता ही है, अभी हम बताएंगे रिवर्स ऑस्मोसिस, उसमें क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये हो गया आपका आर्टिफिशियल और ये हो गया बायोलॉजिकल। परचेंट मेम्ब्रेन भी इसमें एक लिख दीजिएगा, ये भी आपका आ जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का क्लियर हो गया। अब हम लोग दूसरा टॉपिक में आ जाते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बाद। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बाद हम लोग आ जाते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस अभी ये क्या चीज है, ऑस्मोसिस के बारे में भी समझना जरूरी है कि ऑस्मोसिस है क्या, कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ड्राई ग्रेप्स तो सब लोग देखा होगा, किशमिश, जैसे ही पानी में डालेंगे वैसे ही वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर में आना शुरू हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे इंडोस्मोसिस। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इनटू द सेल इज कॉल्ड इंडोस्मोसिस, और फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आउट फ्रॉम द सेल इज कॉल्ड एग्जोस्मोसिस, ठीक है। अगर मान लो ऐसे हो रहा है, अगर ये वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर में अगर जा रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंडोस्मोसिस, और बाहर अगर वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट अगर बाहर निकल रहा है तो एग्जोस्मोसिस। क्या बोलेंगे इसको? एग्जोस्मोसिस, और उसको बोलेंगे इंडोस्मोसिस, ठीक है। इंडोस्मोसिस में स्वेल करेगा और एग्जोस्मोसिस में श्रिंक करेगा, ठीक है। इंडो में क्या होगा? सेल विल बी स्वेल, एग्जो में सेल विल बी श्रिंक। तो हम लोग पहले ऑस्मोसिस का क्लियर कर लें। ऑस्मोसिस तो समझ में आ ही गया होगा, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। पूरा क्लियर हो गया, ऑस्मोसिस में कोई टेंशन वाली बात नहीं। एग्जाम्पल में लिख लेने कि स्वेलिंग ऑफ ड्राई ग्रेप्स इन वाटर, स्वेलिंग ऑफ ड्राई ग्रेप्स इन वाटर। किशमिश को पानी में डाल देगा, पानी में जैसे ही डालेगा ड्राई ग्रेप्स एक नॉर्मल
ग्रेप्स में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन इंटर कर जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं, ऑस्मोसिस के बाद भी बहुत सारा टॉपिक है। ऑस्मोसिस के बाद भी टॉपिक जो है वो डिफ्यूजन है। क्या हो गया? वो डिफ्यूजन। अब ये डिफ्यूजन क्या चीज है, डिफ्यूजन को भी समझना बहुत जरूरी है कि डिफ्यूजन है क्या। द इंटरमिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। दिस प्रोसेस ऑकर्स ओनली इन ऑकर्स इन गैसियस एज वेल एज एक्वस सॉल्यूशन। ये दोनों में लागू होगा, गैस में भी लागू होगा और एक्वस सॉल्यूशन में भी लागू होगा, लेकिन ऑस्मोसिस सिर्फ एक्वस में यूज होगा। ठीक है, ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड होगा, डिफ्यूजन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं चाहिए। हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन यहाँ होगा, ऑस्मोसिस में लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो डिफ्यूजन का भी टेंशन खत्म। अब क्वेश्चन आप घर में लिख लीजिएगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। इस पे आप 3-3 पॉइंट्स ऐड कर लीजिएगा ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब आ जाते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर में। क्या आ जाते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर में आ जाते हैं। पाई और पी, और देखो ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। और भी इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, और भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। द प्रेशर अप्लाइड बाय द सॉल्यूशन विच प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, द प्रेशर अप्लाइड बाय द सॉल्यूशन विच प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर सॉल्यूशन लगाएगा उसको हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, अब कैसे इसको हम लोग क्लियर कर लिया जाए। अब इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है कि कैसे ये है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये दोनों वॉन्ट ऑफ इक्वेशन बोला जाता है, दोनों को कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन, कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन अगर किया जाए तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी हो जाएगा, और पाई इक्वल टू सी आर टी हो जाएगा, यहां आर कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और पाई इक्वल टू एन बाई वी आर टी भी लिखेंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन को हम लोग एन बाई वी भी बोलते हैं, और पाई वी इक्वल टू एन आर टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी में और आगे हम लोग जा सकते हैं, पाई बी इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू टी बाई एम बी, और एम बी भी यहां निकाल लेंगे मोलर मास, तो डब्ल्यू बी आर इंटू टी बाई पाई बी। ये देखो इससे भी हम लोग अब मोलर मास निकाल लेंगे। ठीक है ना, इससे भी हम लोग मोलर मास ऑस्मोटिक प्रेशर से निकाल सकते हैं। तो ये अपना कर लीजिएगा, इसके बाद हम लोग अब आगे चलते हैं। आगे में थोड़ा सा देख लो नोट पॉइंट में कुछ क्या क्या है। नोट में आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है। टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम मोलर कंसेंट्रेशन और सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो टू सॉल्यूशंस, मान लो दो सॉल्यूशन है आपके पास, ये आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इधर में आपका m बाई टेन एनएसीएल है
और इधर में m by 10 KCL दिया हुआ है, दोनों तरफ सेम कंसंट्रेशन हो गया, ठीक है ना। तो ना इधर का वाटर मॉलिक्यूल इधर जाएगा, ना इधर का वाटर मॉलिक्यूल इधर जाएगा। इधर का ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई वन बोल दो, इधर का ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई टू बोल दो, तो पाई वन इक्वल हो जाएगा पाई टू के। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे हम लोग क्या, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब यहां देख लो, एक और एग्जांपल हम दे दे रहे हैं, ये तो तुम लोग देखा होगा आरबीसी, आरबीसी जानते ही है, रेड ब्लड सेल, और 0.9% NaCl का जो सॉल्यूशन होता है उसको स्लाइड वाटर बोलते हैं, जो कि डॉक्टर यूज करता है इंजेक्टेबल मेडिसिन डालने के लिए, ठीक है, इसका इस्तेमाल होता है। तो आरबीसी का जो प्लाज्मा है और 0.9% NaCl का जो सॉल्यूशन है वो दोनों एक दूसरे का आइसोटोनिक होता है, इसीलिए 0.9% NaCl मीन स्लाइन वाटर ऐड किया जाता है पेशेंट के वेंस के अंदर में। बात समझ में आ गया होगा कि क्यों इसको डाला जाता है। अगर ये 0.9% NaCl से ज्यादा अगर होगा तो क्या होगा, और 0.9% NaCl से कम होगा तो क्या होगा, अभी हम बता रहे हैं। ये आइसोटोनिक तो समझ गए, अब ये एक आ रहा है हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मींस क्या होता है, ध्यान समझिएगा, ए सॉल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर सॉल्यूशन, और ए सॉल्यूशन हैविंग हायर मोलर कंसेंट्रेशन देन अदर सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या हो गया, यहां ध्यान से देखो, ये आपके सामने हो गया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये क्या है, ये SPM, ये SPM है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर मान लो इधर में हम लोग m by 2 NaCl कर दे रहे हैं और इधर m by 10 KCl कर दे रहे हैं, तो इसका मोलर कंसेंट्रेशन आइए, इसका मोलर कंसेंट्रेशन लो होगा, तो ये पाई वन ये पाई टू, इसका मतलब पाई वन ग्रेटर हो जाएगा पाई टू से, पाई वन क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा पाई टू से। ये हो गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और इसी में एक और आता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक में क्या है, ए सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और भी बोल सकते हैं कि ए सॉल्यूशन हैविंग हाइयर मोलर कंसेंट्रेशन देन अदर सॉल्यूशन इज कॉल्ड, नहीं हाइपोटोनिक है ना, ए सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर सॉल्यूशन, और ए सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसको हम लोग एग्जांपल में यहां फिर से एक ले लेंगे कंटेनर, इसको दो पार्ट में हम लोग ले लेंगे, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो गया, और यहां हम लोग लिख देंगे m by 10 NaCl, और यहां हम लोग लिख देंगे m by 2 NaCl। तो इसका मतलब ये जो चीज है पाई वन, ये पाई वन इस केस में और ये पाई टू, तो पाई वन यहां लेस हो जाएगा पाई टू के, यहां पर ये हो गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और आइसोटोनिक में भी एक चीज और थोड़ा सा समझ लेना बहुत जरूरी है कि आइसोटोनिक में एक टर्म है कि अगर पाई वन इक्वल हो जाए पाई टू के तो क्या बात हो जाएगा, तो पाई वन तो सी वन आर टी हो जाएगा और ये सी टू आर टी हो जाएगा, आरटी आरटी कैसे कर देगा तो सी वन सी टू हो जाएगा, ठीक है ना, सी वन सी टू हो जाएगा। और ये एन वन बाई भी इक्वल टू एन टू बाई भी हो जाएगा, एन वन इक्वल टू एन टू लिख देंगे तो ये डब्ल्यू वन बाई एम वन इक्वल टू डब्ल्यू टू बाई एम टू, इससे हम लोग मोलर मास भी आराम से निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से, ठीक है ना। अब ये तो तीनों समझ गया, आइसोटोनिक भी समझ गया, हाइपरटोनिक भी हो गया, हाइपोटोनिक भी हो गया। अब यहां थोड़ा सा आगे चलो, हम लोग आगे थोड़ा सा जाना जरूरी है, तो आगे जाने के लिए हम लोग थोड़ा सा ये ले लो, अब जिसे इसमें क्वेश्चन आ जाएगा, 0.877% ऑफ सुगर सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विथ
5% X solution. Find the molar mass of X निकालना है. तो यहां देख लो W1 by M1 equal to W2 by M2. वो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ना. तो M1 देख लो 0.877. अब भाई मोलर मास सुगर का जानता है ना, C12H22O11 342 होता है ना, और W2 5 है, M2 आराम से M2 निकाल लेना, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा ग्राम पर मोल. ठीक है, तो हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक आइसोटोनिक. ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे देखो ऑस्मोटिक प्रेशर में प्लाज्मोलाइसिस और हीमोलाइसिस. प्लाज्मोलाइसिस एंड हीमोलाइसिस. अब प्लाज्मोलाइसिस और हीमोलाइसिस का हम लोग थोड़ा सा चक्कर ले लेंगे. प्लाज्मोलाइसिस और हीमोलाइसिस का प्लाज्मोलाइसिस व्हेन सेल प्लेस्ड इन ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. व्हेन सेल प्लेस्ड इन ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इट मींस देयर कंसंट्रेशन हायर देन 0.9% NaCl सॉल्यूशन. Then cell will be shrink due to flow of solvent from plasma to outer most ward cell. अब जिसे देखो प्लाज्मोलाइसिस में क्या है कि अगर मान लो हम लोग कोई सेल है, इस सेल को आरबीसी को अगर हम लोग आरबीसी ही है और हायर कंसेंट्रेशन में अगर रख देते हैं, किसमें रख देते हैं हायर कंसेंट्रेशन हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो सेल विल बी श्रिंक क्योंकि वहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा. वहां से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और सेल क्या हो जाएगा श्रिंक कर जाएगा. सेल क्या हो जाएगा श्रिंक कर जाएगा, श्रिंकेज कर जाएगा इसका. ठीक है, और एक आता है हम लोग का हीमोलाइसिस. हीमोलाइसिस में क्या है, ध्यान से देखो कि व्हेन आरबीसी प्लेस्ड इन ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लोअर कंसंट्रेशन देन 0.9% NaCl, लोअर कंसंट्रेशन देन 0.9% NaCl सॉल्यूशन, देन वाटर मॉलिक्यूल इंटर इनटू द आरबीसी, एज ए रिजल्ट सेल विल बी स्वेल एंड अल्टीमेटली इट विल बी ब्रस्ट. अल्टीमेटली इट विल बी ब्रस्ट यानी कि आरबीसी के अंदर में वाटर मॉलिक्यूल इंटर करना शुरू कर देगा और फाइनली ये क्या हो जाएगा ब्रस्ट कर जाएगा, फट जाएगा. तो फट जाएगा यानी कि ऐसे हो जाएगा. ध्यान से देखिए, ये वाटर मॉलिक्यूल अंदर से बाहर आना शुरू हो जाएगा. अंदर से क्या होना शुरू हो जाएगा, देखो यहां ये आपका आरबीसी हो गया और वाटर मॉलिक्यूल बाहर से अंदर आना शुरू हो जाएगा और साइज क्या हो जाएगा स्वेल कर जाएगा, स्वेल अप एंड अल्टीमेटली इट विल बी ब्रस्ट. किस कंसंट्रेशन, ये जो सॉल्यूशन होना चाहिए आपका हाइपरटोनिक होना चाहिए, हाइपरटोनिक. ठीक है, और इस केस में ये होना चाहिए हाइपोटोनिक होना चाहिए. दोनों में डिफरेंस है, ध्यान से देखना. प्लाज्मोलाइसिस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होगा और हीमोलाइसिस किस में होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होगा. अब जिसे क्वेश्चन मान लो तुम्हारे पास रहेगा कि व्हाट हैपन आरबीसी प्लेस्ड इन फर्स्ट 0.2% NaCl सॉल्यूशन और बी 1.2% NaCl सॉल्यूशन. यहां देखो क्या होगा,
तो 0.2% NaCl का मतलब क्या होगा कि 0.9% NaCl से कम कंसेंट्रेशन है, यानी कि ये हाइपोटोनिक होगा। तो हाइपोटोनिक होगा तो स्वेल कर जाएगा यहां पर, तो यहां क्या लिख देंगे, स्वेल विल बी स्वेल, स्वेल कर जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, क्योंकि हायर कंसेंट्रेशन है ना। अब यही दोनों मेजर प्रॉब्लम है जिसके चलते 0.9% NaCl सॉल्यूशन ही इंजेक्ट किया जाता है पेशेंट को। बात समझ गया आ गया। अब कभी कभी देखिए एक क्वेश्चन और भी पूछता है कि वाई NaCl, वाई पेशेंट हैविंग हायर हाई ब्लड प्रेशर, डॉक्टर एडवाइज टू हिम टू टेक मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट, क्यों भाई? तो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि इफ ए पेशेंट टेकन लॉट्स ऑफ सॉल्ट देयर Na प्लस आयन और Cl माइनस इंक्रीजेज इन साइड द ब्लड, देयर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेज। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजेज इट मीन्स ब्लड प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेज। तो अगर कोई पेशेंट ज्यादा नमक खाता है तो Na प्लस और Cl माइनस का कंसेंट्रेशन बॉडी में ज्यादा हो जाएगा, और जैसे ज्यादा हो जाएगा तो उसका बीपी हाई हो जाएगा और ऑस्मोटिक प्रेशर भी हाई हो जाएगा, और जहां से वेन का सर्कुलेशन हुआ है, जहां जहां वेन गया हुआ है वहां से वो फट जाएगा और ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, तुरंत वो इंसान का डेथ हो जाएगा। तो इसीलिए उसको Na प्लस और Cl माइनस, इसका मतलब नमक कम ही खाना है, नमक कम ही खाना है उसको, ठीक है ना। ये हिमोलाइसिस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं वो आपका क्या है, नेक्स्ट जो हम लोग अभी समझने वाले हैं, एक इडीमा एक प्रॉब्लम है। इडीमा, इडीमा क्या चीज है ये भी जानना बहुत जरूरी है। इडीमा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इडीमा क्या है, इफ ए पर्सन टेकिंग लॉट्स ऑफ सॉल्ट, मान लीजिए कोई इंसान बहुत ज्यादा नमक खाता है, तो नमक खाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो पानी भी बहुत ज्यादा ज्यादा पिएगा, और पानी ज्यादा पिएगा तो उसके सेल के अंदर में वाटर मॉलिक्यूल का लेवल बढ़ते जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल का लेवल बढ़ा इसका मतलब उसका सेल जो है धीरे धीरे स्वेल कर जाएगा, और स्वेल कर जाएगा तो इसी बीमारी को बोलते हैं हम लोग इडीमा, ठीक है। ज्यादा नमक खाएगा तो इफ ए पर्सन टेकिंग अ लॉट्स ऑफ सॉल्ट देयर सेल विल बी स्वेल, दैट इज कॉल्ड इडीमा, दैट इज कॉल्ड इडीमा। और हाई बीपी क्यों होगा, ईबीएम समझाएंगे कि हाई बीपी क्यों हो रहा है, ज्यादा नमक खाएगा तो ज्यादा Na प्लस और Cl माइनस कंसेंट्रेशन उसके बॉडी में होगा, और बॉडी में ज्यादा जब Na प्लस और Cl माइनस का कंसेंट्रेशन तो ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब ब्लड प्रेशर हाई। अब ब्लड प्रेशर हाई तो उसका कहानी खत्म, तो कहानी खत्म करने की जरूरत नहीं है, नमक ही कम खाना है। इसलिए देखो हम लोग का पूरा कंट्री में ऐसा ऐसा त्यौहार बनाया गया कि नमक ही छोड़ देना है, नमक छोड़ दिया जाए, बहुत ऐसा त्यौहार है जिसमें नमक छोड़ दिया जाता है, बहुत सारा ऐसा है कि एक एक महीना का चलता है, जैसे इस्लाम में एक महीना का रोजा चलता है, एक महीना का रोजा का मतलब यही है कि पूरा एक साल में उसका बॉडी का जो सॉल्ट है वो सारा न्यूट्रलाइज हो जाए और वो बॉडी में प्रेशर कंट्रोल हो जाए। अब हम लोग इडीमा के बाद हम लोग एक और टर्म लेंगे जिसका नाम हम लोग जानते हैं और पहचानते भी हैं, जिसका नाम है रिवर्स ऑस्मोसिस। ये है रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस जिसको आरओ बोला जाता है, और इसका इस्तेमाल अभी बहुत जगह किया जा रहा है कि पानी जितना भी है, हैंड पंप वाटर, रिवर वाटर, वेल वाटर, सी वाटर, इस सारे पानी को पीने लायक बनाकर मार्केट में बेचा जा रहा है और पब्लिक इसको पी भी रहा है। आरओ का पानी जो है बहुत सारा मिनरल को हटा देता है, जो सिग्निफिकेंट जो इम्पोर्टेंट सॉल्ट का जो मटेरियल है उसको भी ये बाहर निकाल देता है। तो ज्यादा आरओ का भी पीना खतरनाक है, ठीक है। तो है आरओ क्या ये समझना बहुत जरूरी है कि रिवर्स ऑस्मोसिस है क्या, इस पर हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग देखो यहां पर एक कंटेनर हम लोग लिए हैं, ठीक है, और इस कंटेनर को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको बात करते हैं। ये हो गया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इधर हम ले लिए कॉमन वाटर, क्या ले लिए, कॉमन वाटर, इधर में हम लोग ले लिए सी वाटर, क्या ले लिए, सी वाटर। तो अब दिमाग अभी देखो कुछ कर नहीं रहे, अब इसमें बताओ कि ऑस्मोसिस किधर से किधर होगा। तो ऑस्मोसिस का डिफिनेशन जानता है कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन,
लोअर परसेंटेज टू हायर, यानी कि कॉमन वाटर से ये चला जाएगा सी वाटर में। देखिए ये ओस्मोसिस हो रहा है, आप दिमाग दे दीजिएगा, यहां पर ओस्मोसिस इधर से हो रहा है, ठीक है। तो जिधर से ओस्मोसिस होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन से ओस्मोटिक प्रेशर लगता है। क्या लगता है? ओस्मोटिक प्रेशर लगता है। अब ये आरओ देखो क्या होता है, द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन विच इज हायर देन द ओस्मोटिक प्रेशर देन द डायरेक्शन ऑफ ओस्मोसिस इज रिवर्स, दैट इज कॉल्ड रिवर्स ओस्मोसिस। वेन एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन विच इज हायर देन द ओस्मोटिक प्रेशर, विच इज हायर देन द ओस्मोटिक प्रेशर देन द डायरेक्शन ऑफ ओस्मोसिस इज रिवर्स, दैट इज कॉल्ड रिवर्स ओस्मोसिस। यहां पर ध्यान से देखना कि इस जगह पे हम लोग एक एक जो है हम लोग यहां पर ये देखो एक पंप लगा दिए पिस्टन, और इस पिस्टन से हम लोग प्रेशर लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? प्रेशर लगा रहे हैं। तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल इधर आना शुरू करेगा, और यहां से जब आना शुरू होगा तो हम लोग इस जगह पे एक लगा लेंगे, और यहां पर हम लोग प्योर वाटर निकालना शुरू करेंगे। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसेलिनेशन ऑफ वाटर, डिसेलिनेशन ऑफ वाटर इसको क्या बोलते हैं, और रिवर्स ओस्मोसिस भी बोलेंगे, रिवर्स ओस्मोसिस। यानी रिवर्स ओस्मोसिस कैन बी यूज टू कन्वर्ट सी वाटर टू फ्रेश वाटर, दैट इज कॉल्ड डिसेलिनेशन ऑफ वाटर। क्या बोलेंगे इसको? और ये हर जगह इस्तेमाल होता है, और ये प्रोसेस इसका यही है, लेकिन अलग अलग कंपनी में अलग अलग अपना आरओ सिस्टम बना के भेजता है। तो आप समझ गए, आरओ भी आप क्लियर हो गया, आरओ समझ गए, रिवर्स ओस्मोसिस। तो रिवर्स ओस्मोसिस के बाद हम लोग आगे टॉपिक में आ जाएंगे, वैसा कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसको समझ गए हैं, प्लाज्मोलाइसिस समझ गए, हीमोलाइसिस समझ गए, ठीक है, और एलिवेशन इन बीपी भी समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास के बारे में भी हम लोग बात करेंगे अभी। एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है ये भी फाइनल ही कर देते हैं। एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास ये क्या है इसको देखना समझ लीजिए। एबनॉर्मल मोलर मास, When solute molecule dissolved in pure solvent, if solute molecule dissociated or associated in the solution, their molar mass become abnormal. That is called abnormal molar mass. अगर solute को solvent में mix करते हैं तो डिसोसिएट अगर हो जाता है या एसोसिएट हो जाता है तो उस समय उसका जो नॉर्मल मोलर मास है वो एबनॉर्मल हो जाता है, जिसको हम लोग एबनॉर्मल मोलर मास बोलेंगे, ठीक है। तो एबनॉर्मलिटी जी कब आएगा, एबनॉर्मलिटी कब आता है, जब न एसोसिएशन हो और न डिसोसिएशन हो, न एसोसिएशन हो और न डिसोसिएशन हो। तो आप यहां देखिए ए नंबर, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, सपोज करो ये NaCl है, डिसोसिएट किया Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस दिया ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन टू, K2SO4 डिसोसिएशन, 2K प्लस SO4 डबल माइनस, वन पार्टिकल थ्री पार्टिकल Al2SO4 होल थ्री, डिसोसिएशन 2Al ट्रिपल प्लस प्लस 3SO4 डबल माइनस, कितना पार्टिकल, फाइव पार्टिकल, ये कितना है वन पार्टिकल, फिर उसे K4 FeCN होल सिक्स, डिसोसिएशन 4K प्लस
plus FeCN whole 6, 4 minus number of particle 1, number of particle 5. अब यहां देखो, number of particles दिख रहा है, increase कर रहा होगा, तो increase कर रहा है, तो इसका उपाय है, देखिए यहां पर कैसे होगा. We know that Cp directly proportional to number of moles of solute. Number of moles of solute. Cp inversely proportional to molar mass of solute. ये सब लोग जानता होगा ना, ये कैसे होगा? जैसे P naught A minus Ps by P naught A equal to Wb into Ma by Mb into Wa. यहाँ देखो, ये RLBP हो गया, स्कोलिएटिव प्रॉपर्टीज. तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसको तो हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं. देखो, P naught A minus Ps by P naught A equal to Nb into Ma by Wa. तो यहां देखो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के. ऐसे भी और भी देख सकता है, जैसे डेल टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, तो डब्ल्यू बी इंटू थाउजेंड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए. तो यहां भी देख लो, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के. तो इन केस ऑफ डिसोसिएशन Cp directly proportional to Nb, Cp inversely proportional to Nb. Hence, in case of dissociation, the value of Cp increases. The value of Cp increases. कब? जब dissociation का केस होगा तब. कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. नेक्स्ट देखो, बी, इन केस ऑफ एसोसिएशन. अब एसोसिएशन वाला केस क्या है? जैसे सपोज करो, ये तो तुम समझिए गया, सीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनबी, सीपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनबी. मान लो हम लोग एसिटिक एसिड को बेंजीन में डाल रहे हैं. एसिटिक एसिड को किस में डाल रहे हैं? बेंजीन में. तो एसोसिएशन जब होगा तो क्या होगा? ध्यान से देखो, डाइमर बना देगा. डाइमर देखिए यहां, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, और ये क्या दे देगा? हाइड्रोजन बॉन्ड दे देगा. कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, याद है. और इसको हम लोग बोलेंगे डाइमर. क्या हो जाएगा? डाइमर. यहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखो लिए हुए टू, यहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गया वन, डिक्रीज कर जा रहा है. नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गया? डिक्रीज कर जा रहा है. तो अगर मान लो डाइमर, अगर टू मॉलिक्यूल्स ज्वाइंट्स, दैट इज कॉल्ड डाइमर, थ्री मॉलिक्यूल्स ट्राइमर, और टेट्रा मॉलिक्यूल्स टेट्रामर्स, यानी कि ठीक है. तो ये अपना क्लियर हो गया, इसमें हम लोग डाइमर ट्राइमर टेट्रामर्स भी ले सकते हैं. बहुत सारा मॉलिक्यूल आ जाएगा तब वो हो जाएगा पॉलीमर. तब क्या हो जाएगा? वो पॉलीमर्स हो जाएगा, ठीक है. डाइमर ट्राइमर सारा का सारा आ जाएगा. अब यहां हम लोग, अभी देखो, इन केस ऑफ एसोसिएशन, इन केस ऑफ एसोसिएशन यहां लिख सकते हैं, यहां हम लोग लिख देंगे इन केस ऑफ एसोसिएशन द वैल्यू ऑफ सीपी डिक्रीजेज. वैल्यू ऑफ सीपी क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना. एसोसिएशन का केस में वैल्यू ऑफ सीपी क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा. टेंशन नहीं है, अभी जो है इसमें हम लोग थोड़ा सा और भी करेंगे, तो टेंशन वाली बात नहीं है, है ना. धीरे 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 होगा. अभी देखो, बहुत लोगों क्या है कि समझ में भी नहीं आ रहा होगा, एक साथ बहुत सारा टॉपिक हो रहा है ना, तो आप लोग घर में बैठ के छोटा छोटा क्लिप बना बना कर इसको देखिएगा,
क्योंकि एक साथ में तो आप सब याद कर नहीं सकते हैं, एक साथ में हो भी नहीं सकता है। और ये सॉल्यूशन चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, ये बहुत लोग सोचता है कि दो ही क्लास में खत्म हो जाए, एक ही क्लास में खत्म हो जाए, तो दो क्लास और एक क्लास में हम तो खत्म कर ही देंगे, ऐसा थोड़ी है कि नहीं खत्म करना, लेकिन इसके बाद ही बहुत सारा टॉपिक है ना। तो अभी देखिए अब नॉर्मल मोलर मास है, इसके बाद अभी और है, अभी देखो और क्या बता रहे हैं, अभी अभी एक और टॉपिक आ जा रहा है वॉन्ट ऑफ फैक्टर। अभी वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या है इसको भी समझना बहुत जरूरी है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर समझो, वॉन्ट ऑफ, वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर, वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर। अब इसको डिनोट हम लोग कैसे करेंगे, आई से करते हैं। अब ये क्या चीज है वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर, द रेशियो बिटवीन नॉर्मल मोलर मास एंड ऑब्जर्व मोलर मास। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के थ्रू जितना भी मोलर मास हम लोग डिटरमाइन करेंगे सबको ऑब्जर्व मोलर मास कहा जाएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में है ना आरएल बीपी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन इंफ्रीजिंग पॉइंट ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये चारों से जो भी मोलर मास डिटरमाइन होगा उसको ऑब्जर्व मोलर मास कहेंगे, और नॉर्मल मोलर मास उसको बोलेंगे जो एटोमिक मास ऐड करके हम लोग जो निकालेंगे उसको हम लोग नॉर्मल मोलर मास बोलेंगे। तो आई इक्वल टू नॉर्मल मोलर, द रेशियो बिटवीन नॉर्मल मोलर मास एंड ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ऑब्जर्व्ड मोलर मास इज कॉल्ड वॉन्ट ऑफ फैक्टर, और आई इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन इज कॉल्ड वॉन्ट ऑफ फैक्टर। अगर मान लो आई का वैल्यू वन अगर आ जा रहा है तो सॉल्यूट नाइदर डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड, मतलब सॉल्यूट में सॉल्यूट का मॉलिक्यूल न डिसोसिएट करेगा और न एसोसिएट करेगा। सॉल्यूट मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, जैसे मान लो बेंजीन सपोज करो ग्लूकोज है तो C6H12O6 हम लिए हैं, और कितना मॉलिक्यूल लिए हैं 4 मॉलिक्यूल, और वाटर में भी जाकर ये 4 ही मॉलिक्यूल दिख रहा है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन बाय नंबर ऑफ पार्टिकल टेकन, तो 1 हो जाएगा। अगर मान लो I ग्रेटर देन 1 देन सॉल्यूट डिसोसिएटेड, डिसोसिएटेड जैसे मान लो NaCl, NaCl डिसोसिएट इनटू Na प्लस और Cl माइनस आयन, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हम लोग यहां लिख सकते हैं 2/1 = 2, क्योंकि यहां 2 पार्टिकल्स हो गया और यहां ये 1 पार्टिकल्स हो गया। कोई और देख लो, जैसे मान लो ये K2SO4 है, K2SO4 डिसोसिएट किया 2K प्लस SO4 डबल माइनस, तो I इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन बाय नंबर ऑफ पार्टिकल टेकन, 3 आ गया। तो I का वैल्यू जैसे ही 1 से ज्यादा होगा एसोसिएशन डिसोसिएशन हो जाएगा, और I लेस देन 1 इसको याद करते जाना, ये आपका याद करने का पॉइंट हो गया। यहां देखो इफ I लेस देन 1 सॉल्यूट विल बी एसोसिएटेड, मतलब एसोसिएशन का केस हो जाएगा। अब कैसे होगा ये भी समझना बहुत जरूरी है कि एसोसिएशन कैसे होगा। देखो यहां पे इसको तो हटा ही दो, सपोज कर लो CH3COOH2 मॉलिक्यूल्स एसोसिएट टू फॉर्म डाइमर,
नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये डाइमर आपका बन गया टू, और इधर पार्टिकल्स कितना हो गया वन। तो आई इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन, वन बाय टू कितना हो गया 0.5। देखो आई लेस देन वन हो गया, तो जहां भी आई लेस देन वन होगा समझ लेंगे कि एसोसिएशन हो रहा है, और जहां आई ग्रेटर देन वन होगा समझ लेंगे कि डिसोसिएशन हो रहा है। अब कोई कह रहा है कि 50% डिसोसिएशन हो गया, तो 0.5 ले लेंगे, क्योंकि वन लेंगे हम, वन पार्टिकल लेंगे तो उसका 0.5 हो जाएगा। अब देखो इसको ड्राइव हम लोग कैसे करेंगे, ड्राइव भी तो बहुत जरूरी है, ड्राइव भी करना जरूरी है। यहां देखो क्या देखो, ए नंबर इन केस ऑफ डिसोसिएशन, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, सपोज करो डिसोसिएट कर रहे हैं, मान लो हम लोग एन लिए हैं और ये हो क्या जा रहा है, एन ए हो जा रहा है, डिसोसिएशन में ही ना है। मान लो हम लोग एन टू लेंगे, ठीक है, तो ब्रेक करेगा, तो टू एन लिखना होगा कि नहीं लिखना होगा, क्योंकि एन और एन तो ब्रेक कर रहा है ना, दोनों एन बाहर जा रहा है, तो इसे ही एन लेंगे, तो एन ले लिए। एट इनिशियल, शुरुआत में हम लोग वन मोल लिए हैं, वन पार्टिकल, अभी डिसोसिएशन स्टार्ट नहीं है तो प्रोडक्ट तो जीरो बना रहेगा। आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन, मान लो यहां से अल्फा निकल गया तो वन माइनस अल्फा तो बचा नहीं ना, क्या वन माइनस अल्फा तो बचा ही बचा। अब देखो फॉर्मूला, हम लोग आई इक्वल टू, चाहे यहां हम लोग एक चीज और लिख दे रहे हैं, यहां लिखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन, लिए कितना है हम लोग, देखो वन लिए हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, तो वन माइनस अल्फा और प्लस अल्फा, आ इसको एन से मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि एन पार्टिकल होगा, तो यहां भी एन कर दिए, यहां भी एन कर दिए, ठीक है, वन माइनस अल्फा और प्लस एन अल्फा। अब आई इक्वल टू फॉर्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन, यहां देखो हम लोग फॉर्मूला कैसे प्रूव हो रहा है, यहां देखना है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स वन, नंबर ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन कितना है, ध्यान से देखना, आई इक्वल टू वन माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा बाई वन, ठीक है, अब इस वन को यहां ले जाएंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना ही हो जाएगा, तो आई इसको यहां कर दिए तो वन ही हो गया, वन माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, यहां कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इस वन को हम लोग यहां कर दे रहे हैं माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, एन अल्फा माइनस अल्फा। अब यहां देखना अच्छा से, कॉमन लेने का समय है, वन माइनस एन, ठीक है, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई माइनस वन बाई हो जाएगा ना, यहां देख लेना, अल्फा कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, आ जा, अल्फा कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा, जल्दी बता, हाँ अल्फा अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा, वही तो बताना बहुत जरूरी है कि अल्फा कॉमन हम लोग ले लिए हैं क्या हो गया, जल्दी बताओ फटाफट फटाफट, वन माइनस एन कि एन माइनस वन, एन माइनस वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन माइनस वन,
देखो यहाँ पर देखो इस जगह पे 1-1 प्लस वाले को रहने दिए, अल्फा यहाँ ले लिए, तो यहाँ पर हम लोग अगर अल्फा कॉमन ले लेते हैं तो n माइनस वन अल्फा हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। अब अल्फा इक्वल टू अगर कहते हैं तो i माइनस वन बाई n माइनस वन, ये फॉर्मूला आ गया। और परसेंटेज अगर निकालना होगा तो i माइनस वन बाई n माइनस वन इंटू 100, इससे भी हम लोग ये फार्मूला कर सकते हैं। अब इसमें अल्फा जो हो गया ना, अल्फा को हम लोग लिखेंगे, जानता है क्या, अल्फा को लिखेंगे हम लोग अल्फा इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, और आई को लिखेंगे वॉन्ट ऑफ फैक्टर, और एन को लिखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये इन केस ऑफ अभी डिसोसिएशन है, अभी इसके बाद अभी एसोसिएशन होगा। अब एसोसिएशन में क्या है ये भी समझना बहुत जरूरी है, इसको भी हटाओ। बी, इन केस ऑफ एसोसिएशन, इन केस ऑफ एसोसिएशन का केस हम लोग करते हैं कि एसोसिएशन में क्या है। अब एसोसिएशन में क्या है, एसोसिएशन का केस हम लोग लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं एसोसिएशन का केस क्या है। एन ए एसोसिएट्स टू फॉर्म ए एन, एसोसिएशन एट इनिशियल, इसका भी वन मूल नहीं है, एसोसिएशन स्टार्ट नहीं है, जीरो। आफ्टर एसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन मान लो इधर अल्फा हो गया तो 1 माइनस अल्फा और यहां अल्फा बाई एन हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन लिए कितना है 1, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन कितना है तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, ठीक है। ये हम लोग क्या ले लिए, ये हम लोग क्लियर कर लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब आई इक्वल टू फॉर्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन, इन सॉल्यूशन और टेकन दोनों हमारे पास है, इन सॉल्यूशन और टेकन तो दोनों है ना मेरे पास, तो नंबर पार्टिकल इन सॉल्यूशन कितना है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन और बाई 1, क्योंकि 1 ही पार्टिकल तो हमने लिए थे ना, 1 को यहां करके मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देखिए अल्फा बाई एन, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इस वन को यहां कर देंगे माइनस वन अल्फा बाई एन माइनस अल्फा, अब यहां आप तो समझ ही रहे हैं क्या कॉमन हो जाएगा, क्या आई माइनस वन इक्वल टू क्या लेंगे कॉमन अल्फा एन माइनस वन हो जाएगा ना, वन बाई एन माइनस वन। अब अल्फा इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे यहां पर i माइनस वन बाई वन माइनस एन माइनस वन, ठीक है। और परसेंटेज अगर निकालना चाहते हैं तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका ये तैयार हो गया फॉर्मूला।
आपका फॉर्मूला ये रेडी, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, अल्फा इक्वल टू डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, और आई वॉन्ट ऑफ फैक्टर और एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर डाइमर होगा ना, तो डाइमर अगर जैसे ही मान लो डाइमर होगा तो एन का वैल्यू 0.5 रखेगा डाइमर के लिए, 1/2 हो जाएगा ना, ट्राइमर के लिए 1/3 कर देना, ठीक है, 1/5, 1/2, 1/3 डाइमर ट्राइमर के लिए चेंज होते रहेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये आपका हो गया एसोसिएशन डिसोसिएशन, पहले लिख लो इसको, पहले इतना तो लिख ही लो, एसोसिएशन डिसोसिएशन कंप्लीट। अभी हम लोग का अभी और क्या बचा हुआ है, अभी जो जो चीज बचा हुआ है उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे, लेकिन क्या क्या बचा हुआ है ये समझना जरूरी है। बॉन्ड ऑफ फैक्टर तो हो गया, लेकिन अब इसके बाद हम लोग अभी पढ़ेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसको भी पढ़ा के अभी खत्म ही करते हैं, कहानी खत्म कर, तुम लोग भी बोर हो जाएगा, तो बोर होने से अच्छा है कि हम पहले ही क्लियर कर दें। देखो आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो यहां हम लोग लिख रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन और यहां लिख रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल। देखो आइडियल सॉल्यूशन में क्या है कि दो सॉल्यूशन विच ऑबे रॉल्फ लॉ एट द सेम कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर सिमिलर कंपोजिशन इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन, यानी कि पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। और ये क्या बोलता है ना कि दो सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे द रॉल्स लॉ, ये रॉल्स लॉ को फॉलो ही नहीं करेगा, रॉल्स लॉ से कोई लेना देना इसको नहीं है। रॉल्स लॉ के बारे में ये सोचता भी नहीं है, ठीक है। बी नंबर देखो, बी नंबर में क्या बोलता है, वॉल्यूम इंक्रीजेज ऑन मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट्स, वॉल्यूम इंक्रीजेज ऑन मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट्स, वॉल्यूम यहां पर वॉल्यूम इंक्रीज नहीं, देर इज नो चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट्स, देर इज नो चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट। यहां क्या है कि देर इज चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट, यहां देखो देर इज नो चेंज ऑफ इंथेल्पी ऑन मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट, यहां भी वही बात है कि देर इज चेंज इन इंथेल्पी ऑन मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट, यहां इंथेल्पी चेंज करेगा, इंक्रीज भी कर सकता है डिक्रीज भी कर सकता है, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज भी कर सकता है, तो आप इसको अपने अपने तरीका से भी लिख सकते हैं कि इंक्रीज डिक्रीज कैसे हुआ, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन में हम लोग आराम से देख सकते हैं और आराम से लिख सकते हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं ना। और यहां पर लिख सकते हैं एक चीज और, द इंट्रेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर इक्वल, यहां इक्वल हो जाए, देयर इज नो इक्वल चांसेस, यहां एग्जांपल लिख लो, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन टॉलवीन प्लस बेंजीन इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल आयोडाइड
इसका भी एग्जांपल ले लो, इथेनॉल प्लस वाटर, H2O प्लस HCl, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर, ये सारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया, ये आइडियल हो गया, नॉन आइडियल हो गया। अब हम लोग आगे बात करते हैं, अभी और है, अभी ऐसा बात नहीं है, अभी और है। There are two types of non-ideal solution. There are two types of non-ideal solution. Non-ideal solution. एक को बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव डेविएशन और दूसरे को बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का मीनिंग आप समझ जाइए। पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन क्या है? पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन में, ठीक है ना, ए बी फोर्स, यहां फर्स्ट में हम लोग बात करेंगे, ए बी फोर्स, ए मीन्स सॉल्वेंट और बी मीन्स सॉल्यूट, ए बी फोर्स आर वीकर देन A A and B B forces, ठीक है, कमजोर होगा। यहां B नंबर देखो, A B forces are stronger than A A and B B forces, ठीक है। और सेकंड नंबर, वॉल्यूम इंक्रीजेज ऑन मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, डेल बी इक्वल टू पॉजिटिव हो जाएगा। वॉल्यूम ये ए है, वॉल्यूम डिक्रीजेज ऑन मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट, यहां वॉल्यूम घट जाएगा। सी नंबर, इंथेल्पी इंक्रीजेज ऑन मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट, इंथेल्पी यानी डेल एच पॉजिटिव हो जाएगा, सी नंबर डेल एच नेगेटिव हो जाएगा। एकदम अच्छा से देख समझ लो, ये हीटेड हो जाएगा, वो थोड़ा कोल्डेड हो जाएगा, इसमें टेंशन की बात नहीं है। हीटिंग इंक्रीजेज सॉल्युबिलिटी, इंक्रीजेज सॉल्युबिलिटी, और ये क्या है, हीटिंग डिक्रीजेज सॉल्युबिलिटी। अभी जो समझा दे रहे हैं इसको, कैसे समझा दे रहे, तुरंत समझा दे रहे हैं, ठीक है ना। इसमें इंडिविजुअल प्रेशर हाई होगा, इसमें इंडिविजुअल प्रेशर क्या हो जाएगा, पाई ए ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी ग्रेटर देन पी नॉट बी इंटू एक्स बी, इसमें प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी लोअर देन पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब दोनों का एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में एग्जाम्पल देखो, इसका पॉजिटिव डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन है ना, तो इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, अच्छा है समझना, ये देखो ये इथेनॉल है,
ठीक है, ये इथेनॉल का मॉलिक्यूल है, ये इथेनॉल है, और इथेनॉल में कौन सा बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड से ये कनेक्टेड है, यहां पर देख लो ये भी कनेक्टेड है, इधर भी कनेक्टेड। अब इसमें तुम क्या कर रहा है ना कि साइक्लोहेक्सेन को ऐड कर रहा है, C6H12 को, इसमें C6H12 को, तो जैसे ये साइक्लोहेक्सेन इंटर करेगा इथेनॉल के अंदर में, तो इथेनॉल इथेनॉल के बीच में जो दिख रहा है ना हाइड्रोजन बॉन्ड, ये तो दिख रहा है ना हाइड्रोजन बॉन्ड, ये तो दिख रहा है, ये ब्रेक कर जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रेक करेगा, तो ब्रेक करेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, और इस बॉन्ड को तोड़ने में तो एनर्जी भी तो लगा, एनर्जी लगा तो सॉल्यूशन हीट हो जाएगा, तो देखो यहाँ डेल एच इंथैल्पी यहाँ पर दिखाया हुआ है, बात समझ में आ गया होगा कि इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन कैसे हो गया, एग्जांपल है समझ में, इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, क्लियर, और भी एग्जांपल हम दिखा देते हैं, एसीटोन इथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर भी हम लोग लिख सकते हैं, इथेनॉल प्लस वाटर हम लोग ले लेंगे, एसीटोन प्लस CH2 भी ले लेंगे, और ये बहुत सारा एग्जांपल है। अब नेगेटिव डेविएशन में आ जाएंगे, नेगेटिव डेविएशन में हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव डेविएशन ले लेते हैं, नेगेटिव डेविएशन में देख लो एग्जांपल, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, देखो यह एसीटोन CH3 और यह है क्लोरोफॉर्म, माइनस प्लस प्लस, और ये माइनस कैरेक्टर था, ये सब माइनस है तो ये भी माइनस हो गया। अब यहां देखो एसीटोन मॉलिक्यूल और क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जैसे आएगा ना, तो यहां नया बॉन्ड देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनते के साथ ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएगा और वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, यहां पर, यहां ध्यान से देखना, इस जगह पर दिखा रहे हैं, इसीलिए वहां पर हम लोग लिखवाए हैं कि वॉल्यूम डिक्रीजेस, एसीटोन क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, एसीटोन क्लोरोफॉर्म, फिर H2O प्लस HNO3 हम लोग ले सकते हैं, फिर H2O प्लस HCl ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये सारा पॉजिटिव डेविएशन में चला जाएगा, किसमें चला जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन में चला जाएगा, और भी एग्जांपल ले सकते हैं, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म तो ले लिए, ठीक है, अब देखो पॉजिटिव डेविएशन और ये नेगेटिव डेविएशन का बात है, ठीक है, इसको पहले अच्छा से एग्जांपल याद कर लेना, इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन वाला, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म में, यहां देखो पहले से बॉन्ड को ये ब्रेक कर रहा है, यहां नया बॉन्ड बन रहा है, इसलिए यहां वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, यहां वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब मान लो तुम अगर से क्वेश्चन पूछा जाए कि 10 ml वाटर और 10 ml अल्कोहल दोनों हम इथेनॉल मिक्स कर रहे हैं, तो 20 ml होना चाहिए, लेकिन 20 ml से ज्यादा होगा, दिख ही रहा है ना, यहां तो दिख रहा है कि नहीं तुमको, इथेनॉल प्लस वाटर यहां देख लो अच्छा से। फिर अब नेक्स्ट टॉपिक में आ जाओ, एक आ गया एजियोट्रॉपिक मिक्सर एंड एजियोट्रॉप्स, इसको देख लो, एजियोट्रॉपिक मिक्सर एंड एजियोट्रॉप्स, एजियोट्रॉपिक मिक्सर, और में हम लोग इसको बोलते हैं एजियोट्रॉप्स बोलते हैं, ये क्या होता है ना, ये बोलता है ना कि दोज लिक्विड मिक्सर विच बॉयल्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एट ऑल कंपोजिशन इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सर और एजियोट्रॉप्स।
they cannot be separate by the fractional distillation method. इसको fractional distillation method से हम लोग separate भी नहीं कर सकते हैं इसको. इसका separation के लिए azeotropic fractional distillation आता है, उससे हम लोग कर सकते हैं. तो जैसे मान लो इसको azeotropes में क्या है, जैसे सपोज करो मान लो यहाँ पर हम लोग H2O लिए हुए हैं और यहाँ पर हम लोग मान लो मिथेनॉल लिए हुए हैं और यहाँ इथेनॉल लिए हुए हैं. हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं. इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 65 डिग्री होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस होता है, और तीनों को आपको सेपरेट करना है. तो आप पूरे मिक्सर में से अलग अलग करना है. तो देखो पहले टेम्परेचर को हम ले जाएंगे 65 पर, तो मिथेनॉल वेपोराइज हो जाएगा, कंडेंस कर लेंगे. फिर ले जाएंगे टेम्परेचर 78 तक, फिर हम लोग इथेनॉल को वेपर को कंडेंस कर लेंगे. फिर वाटर को ले जाएंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर, फिर उसको भी कंडेंस कर लेंगे. तो तीनों अलग अलग हम लोग कर लेंगे. तो इसी को हम लोग नाम देते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. तो इस मेथड से इसको हम लोग नहीं कर सकते. ये क्या बोलता है ना कि दोज लिक्विड मिक्सर विच बॉयल्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, मतलब एक कॉन्स्टेंट अपना टेम्परेचर बना लेगा. जैसे वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस और अल्कोहल का 78 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट मिल के होना चाहिए 178, लेकिन ऐसा है नहीं, वो अपना एक अलग बॉइलिंग पॉइंट बना लेता है. तो क्या डिफिनेशन हो गया, तो दोज लिक्विड मिक्सर विच बॉयल्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्या, एजियोट्रॉपिक मिक्सर और एजियोट्रॉप. दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड. ठीक है, देर आर टू टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सर. अब एजियोट्रॉपिक मिक्सर टू टाइप्स का हो गया. अब ये टू टाइप्स है तो दोनों को हम लोग समझे पहले कि दोनों में कौन कौन टाइप है एजियोट्रॉप्स. एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सर. मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सर, और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स. अब ये क्या बात हो गया, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक, दोज एजियोट्रॉपिक मिक्सर विच बॉयल्स एट द लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ देयर कंपोनेंट्स आर कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सर एंड दे शो पॉजिटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन. ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा. क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा. क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा. अब देख लो कैसे यह बात हुआ. जैसे मान लो इथेनॉल प्लस वाटर, ये हम लोग वाटर ले लिए हैं और ये इथेनॉल ले लिए हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, इसका कितना बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस. लेकिन इसको हम लोग करेंगे ना तो 373 केल्विन लिखना होगा और इसका होता है 351.3 केल्विन, केल्विन में कन्वर्ट कर दिए. तो जो लिक्विड मिक्सर जो होगा वो बॉइल करेगा 351 केल्विन पर. अब यहां ध्यान से देखिएगा, इस देखिए किससे कम, इससे भी कम है. देखो इससे भी कम और इससे भी कम, दोनों से कम होना चाहिए. और ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है.